अच्छा, जो हमारी आज ये विरार मतलब क्या कहते हैं लोकेशन पे, इतना प्यारा लोकेशन है, यहाँ पे शूटिंग चल रही है हमारे काहे प्रीतिया लगौलू का, जो बहुत ही प्यारा टाइटल है और बहुत प्यारी लव स्टोरी जो हमारे अनिल सर ने दर्शाई है, तो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा आप सबको। और बारिश भी हो रही है। हाँ जी, मौसम भी बहुत प्यारा है। हाँ, वो लव सॉन्ग है, इसको रोमांटिक ही मानिए, और बहुत अच्छी फिल्माया जा रहा है। श्रेया जी बहुत अच्छा काम, काफ़ी भी काम कर चुके हैं, कर रही हैं, तो अनुभव भी बढ़ रहा है हमारा भी, फर्स्ट ब्रेक है, और कोशिश है अच्छी फिल्म हम लोग बनाएँ, अच्छा दें, और आगे सबका आशीर्वाद चाहिए। अपने बारे में कुछ बताइए। अपने बारे में, मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है और इस लाइन में हूँ, और भागा नहीं मैं इस लाइन से, मेरा लगभग 15 साल हो गया इस लाइन में। बचपन से मैं बुक लिखता था कंपनी के लिए, प्रकाश पब्लिकेशन कैलाश नगर दिल्ली से, और काफ़ी एल्बम्स आए, लिखे, राइट भी किए, एल्बम भी किए, एक्ट भी किए, सिंगिंग भी किया, तो ये स्ट्रगल करते करते आदमी यहाँ तक आया है, और अभी तक भी लड़ रहे हैं, और जब तक जीत ना मिले हम जाने वाले में से नहीं हैं। ये 100% नहीं कहिए, 400% पकड़ लीजिए। अच्छा, जाने वाले। हाँ, फिल्म मैंने एक गाना गाया है। हाँ, इसके पहले भी कोई गाना, कोई एल्बम? हाँ, एल्बम अभी तो मेरा सावन का एल्बम आया था, बाबा हमरों के हीरो बना दी, अब वही बाबा का कृपा है यहाँ तक पहुँच के। बोले बाबा, आपने तो पहले फिल्में की है, किस हाँ तरह, जी, किस तरह इनका फ्यूचर देखती है? अभी तो आज फर्स्ट टाइम मैं मतलब सेकंड टाइम मिली हूँ, और बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है और बहुत शांत है, और काम अच्छा कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है इनके साथ काम करके। एक लव स्टोरी है जो राधा कृष्णा की, जो बहुत फेमस लव स्टोरी है, उसी के ऊपर है। इस कैरेक्टर में मतलब इस कैरेक्टर का नाम भी मेरा राधा ही रखा है, और इनका नाम क्या रखा है पता नहीं, श्याम। तो वही नेम और वही स्टोरी बहुत जल्द मतलब रिपीट होगी, बहुत प्यारा लगेगा। सीरियल में भी श्याम कांस है हमारे अंदर। ठीक है, ओके ओके। तो इनके बारे में यही बताना है कि राधा के कैरेक्टर में जो श्रेया मिश्रा हैं, इनको मैंने कास्ट किया है, तो मुझे लगा कि राधा जो है ऐसी ही होनी चाहिए। बहुत से हीरोइनों से मैंने ऑडिशन लिया, देखा हमने, तो हमें इन्हें साफ़ सुथरी मतलब छवि दिखाई पड़ी, और मेरे कहानी के अनुरूप इनका करेक्टर था, इसलिए मैंने इनको शाइन किया। हीरो हमारे गाँव के ही रहने वाले हैं, जो पिछले 10 साल से बोल रहे थे कि सर हमें लॉन्च कीजिए, हमें लॉन्च कीजिए, मौका नहीं मिल रहा था। इनके अंदर भी बहुत जुझारू व्यक्तित्व है, बिहार में इनका रिकॉर्डिंग स्टूडियो है और सिंगिंग भी करते हैं, तो हमने कहा कि चलो मौका है, इसलिए हमने देखा कि जो मार्केट में हीरो हैं वो उनके कितने नखरे हैं, कितना हाई बजट उनका रेट है, उस हिसाब से मैंने इनको कास्ट किया कि चलो एक नया हीरो के रूप में लॉन्च किया जाए। बाकी मेरा इंडस्ट्री का अपना अनुभव है जो 30 साल का है, इंडस्ट्री में जो मेरे अपने रिलेटिव रिलेशन हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, वो सब इस फिल्म में मेरे साथ हैं, जो मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं, और इस फिल्म को हम तेज़ गति से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक अच्छी साफ़ सुथरी फिल्म, पारिवारिक फिल्म हम दुनिया को दे सकें।